अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। इसके अंदर हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, वो था डिटरमिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। काफ़ी डिटरमिनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, जिनके अंदर अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, एक्सरसाइज ऑर्डर, फ्रिक्वेंसी और रेस्ट इंटरवल तक हमने इन डिटरमिनेंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज जो बाकी डिटरमिनेंट्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से आ जाती है मोड, वेलोसिटी, पीरियडाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड को। मोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, वो उन्होंने आपको ऑप्शंस दी होंगी कोई एग्जांपल दे के इसके अंदर अलाइनमेंट आती है कि स्टेबलाइजेशन और इंटेंसिटी। आपने उस एग्जांपल को अच्छी तरह से रीड करना है और देन आपने चूज़ कर लेना है। आपको पता चल जाएगा जब आपको मोड का कंसेप्ट होगा। तो बेसिकली मूड क्या होता है, मूड के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं कि हमने जो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं उनको किन तरह अप्लाई करना है या किस तरह अप्लाई करना है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली, किस फॉर्म में हमें रेजिस्टेड एक्सरसाइज को अप्लाई करना है, देन आ जाती है किस टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन को हमने यूज़ करना है, टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, और देन आ जाती है हमने किस मैनर के अंदर, मैनर भी कह सकते हैं या फिर हमने किस पोजीशन के अंदर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। तो बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं। अब फॉर्म्स के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्म्स के अंदर आ जाती है बेसिकली हमने मैनुअली अप्लाई करना है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट अपना हैंड यूज़ करेगा, या फिर मैकेनिकल, या हमने मैकेनिकली रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। हम बॉडी वेट को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक एमसीक्यूज यहाँ से भी आ जाता है कि बॉडी वेट की कौन सी एग्जांपल है। अब बॉडी वेट की आप बुक के अंदर रीड कर पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है। तो बॉडी की जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो होती है पुशअप्स। तो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी, स्काइंग है, पुशअप्स हैं, या फिर प्रेसअप्स हैं। तो आपने किस पे टिक करना है, पुशअप्स पे। तो सेकेंड एमसीक्यूज भी के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन आ जाती है टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन के अंदर क्या आ जाती है, टू टाइप्स होती हैं मसल कंट्रैक्शन की, डायनेमिकली और स्टेटिकली। डायनेमिक मसल कंट्रैक्शंस वो वाली कंट्रैक्शंस होती हैं जिनके अंदर मसल लेंथ जो है ना वो चेंज करेगी, लेकिन टेंशन जो मसल के अंदर प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी। और जो स्टेटिक मसल कंट्रैक्शंस होती हैं इसके अंदर मसल लेंथ जो होती है वो सेम होती है एज़ कम्पेयर टू टेंशन, और जो टेंशन होती है मसल के अंदर प्रोड्यूस वो चेंज होती है। अब ये कौन सी, ये वाइवा में पूछते होते हैं। अच्छा, डायनेमिक आगे से टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी डायनेमिक और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं, एक तो आ जाती है कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। जो कंसेंट्रिक है ना, ये नाम से ही जाहिर है, टुवर्ड द सेंटर मसल जो है ना वो मूव करेगा टुवर्ड्स सेंटर। मसल मूव करेगा टुवर्ड सेंटर का क्या मतलब है कि इसके अंदर मसल की शॉर्टनिंग होगी। एक्सेंट्रिक का क्या मतलब है, एक्सेंट्रिक का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इसके अंदर मसल जो है ना वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि मसल की इसके अंदर लेंथनिंग होगी। और देन आ जाती है स्टेटिक। स्टेटिक के अंदर आ जाती है, अब स्टेटिक की कौन सी टाइप है, इसमें आ जाती है एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अंदर मसल लेंथ सेम रहती है और टेंशन जो है ना वो चेंज हो जाती है।
तो ये होगी टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, फॉर्म भी होगी, देन आ जाती है किस मैनर और पोजीशन के अंदर हमने अप्लाई करनी है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो मैनर और पोजीशन के अंदर आ जाता है आइदर हमने वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवानी है कि नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। तो ये बेसिकली मोड होता है कि इसके अंदर मोड ऑफ एक्सरसाइज, इसके अंदर तीन फॉर्म्स आ जाती हैं। देन जो नेक्स्ट आ जाता है डिटरमिनेंट वो आ जाता है वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज। वेलोसिटी यानी कि किस स्पीड के साथ हमने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है वो होती है वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज। जब हम स्पीड से मसल को मूव करते हैं तो मसल के अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है, मसल के अंदर जब हम स्पीड के साथ मसल को मूव करते हैं तो मसल के अंदर क्या आती है, कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है तो मसल के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन, वो चेंज हो जाती है। जब टेंशन चेंज होती है मसल के अंदर तो देन क्या होता है, मसल की स्ट्रेंथ गेन होती है और मसल की पावर इंक्रीज होती है। तो बेसिकली हमारा फोकस ये होता है कि हमने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवानी है ताकि मसल के अंदर जो प्रोड्यूस होती है फोर्स जिसको हम कहते हैं टेंशन, वो चेंज हो और उसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर हम गेन कर सकें। अच्छा, तो देन उन्होंने बताया हुआ है कि फोर्स वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है मसल के अंदर, उन्हें ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। मैं आपको फोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो है ना वो मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इसको आपने ध्यान से समझना है। बेसिकली कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, वाई एक्सिस पे फोर्स होगी, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनका इन्वर्सली रिलेशन है। इस साइड लेंथनिंग और ये शॉर्टनिंग वेलोसिटी है, ये क्या, ये लेंथनिंग वेलोसिटी है और ये शॉर्टनिंग वेलोसिटी है। जब मैं पेशेंट को एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाऊंगी तो एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी देखनी है, जब जिस स्पीड के साथ भी मसल्स को हम मूव करते हैं मसल्स के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। और वो मैंने आपको पहले भी बताया, टू टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सेंट्रिक होती है या फिर कॉन्सेंट्रिक होती है, या फिर मसल के अंदर लेंथनिंग होगी या फिर मसल के अंदर शॉर्टनिंग होगी। जब मैं मसल को पेशेंट को सॉरी एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाऊंगी तो उन एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस की वजह से मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी वो एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस के अंदर मैक्सिमम होगी। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो वो 100 से भी बढ़ के हो जाएगी, मतलब कि यहाँ तक पीक पॉइंट इसका यहाँ तक आएगा, क्योंकि एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस की वजह से जो मसल के अंदर फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये थोड़ी टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद ये फॉल कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो थोड़े से टाइम के लिए इंक्रीज हुई है मसल की जो फोर्स है प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी का, वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो रही मसल की, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ग्राफ इस साइड को जाएगा। मसल के अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है जब हम एक्सेंट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हम किसी भी टाइप के एक्सरसाइज को करवाते हैं तो उसके एज अ रिजल्ट मसल प्रोड्यूस करते हैं फोर्स उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अब जब मैं एक्सेंट्रिक मसल एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ तो अब जो मसल के अंदर ये जो उसके इन जो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं इनको ओवरकम करने के लिए फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है, एक बहुत तेज़ी के साथ प्रोड्यूस होती है लेकिन थोड़ी से टाइम के लिए होती है, देन वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ये बेसिकली किसमें हो रहा है, जब एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी।
मसल के अंदर। तो जब फोर्स ज़्यादा होगी मसल के अंदर तो तब क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन जब मैं पेशेंट को कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस कराऊंगी, कंसेंट्रिक रिजिस्टेड एक्सरसाइजेस, तो तब मसल्स के अंदर कौन से टाइप की कंट्रैक्शन होगी, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन होगी। जब कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है तो मसल्स इस कंट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो फोर्स जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू शॉर्टनिंग वेलोसिटी। शॉर्टनिंग वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो मसल्स प्रोड्यूस करते हैं फोर्स वो कम होती है। इसलिए जो मसल हो रही होती है एक कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान तो मसल की शॉर्टनिंग होगी, तो देन ग्राफ जो होगा वो मूव करेगा टुवर्ड दी कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन की तरफ, यानी कि मसल की शॉर्टनिंग होगी। तो ये बेसिकली उन्होंने कंसेप्ट बताया हुआ है फोर्स और वेलोसिटी का, कि फोर्स जब इंक्रीज होगी तब वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और ये बेसिकली टू टाइप्स की कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, ये हमें पहले भी पता है कि एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, फोर्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू शॉर्टनिंग वेलोसिटी के। देन जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं या वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग। पीरियडाइजेशन जो होती है ना ये एडवांस सेटिंग्स के अंदर ज़्यादातर हम करवाते हैं और ये ज़्यादातर करवाई भी एथलीट्स को जाती है, जब हमने उनको प्रिपेयर करना हो किसी भी कंपटीशन के लिए। और इसके अंदर बेसिकली पीरियडाइजेशन के अंदर हम करते क्या हैं, ये साइक्लिक ट्रेनिंग होती है। इसमें हम जो भी उसको हमने ट्रेनिंग करवानी है वो साइकिल्स में करवाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक साइकिल के अंदर हमने उसको वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज को ज़्यादा रखना है और हमने नंबर ऑफ रेपिटिशंस, वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज को हम ज़्यादा रखेंगे लेकिन इसके अंदर हम रेस्ट इंटरवल्स को कम कर देंगे, फॉर एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। और नेक्स्ट जब साइकिल होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज को कम कर देंगे और रेस्ट इंटरवल्स को ज़्यादा कर देंगे। तो ये बेसिकली होता है पीरियडाइजेशन, हम इस तरह करते हैं रेस्ट इंटरवल को ज़्यादा कर देंगे। और ये ज़्यादातर हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम वेरिएशंस कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब वो वाली वेरिएशंस हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं, हम सेट्स के थ्रू कर सकते हैं वेरिएशन। अगर एक साइकिल के अंदर हम 4 सेट्स करवा रहे हैं तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर हम 10 कर देंगे, इस तरह हम इंक्रीज़ कर देंगे या हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देंगे। अगर एक साइकिल के अंदर हम कम, क्योंकि हमने प्रोग्रेसिवली चलना होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता हमने रेजिस्टेंस या फिर एक्सरसाइजेस को बढ़ाना होता है ताकि पेशेंट के अंदर अडॉप्टेशन सबसे पहले तो आए और देन फिर हम क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस वगैरह रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं। तो अगर एक सेट्स के अंदर, अगर एक साइकिल के अंदर फ्रिक्वेंसीज पहले मैं करवा रही थी 10 रेपिटेशन किसी एक्सरसाइजेस की, तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर मैं करवाऊँगी उसको 15, इस तरह इंक्रीज कर दूँगी। तो ये बेसिकली होते हैं डिटर्मिनेंट्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी भी आ जाती है। इंटेंसिटी अगर मैं हाई इंटेंसिटी के साथ पहले करवा रही थी देन फिर मैं लो के साथ करवाऊंगी, तो ये बेसिकली आ जाती है पीरियडाइजेशन। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस बच्चों बेसिकली यही होता है कि जो एथलीट है जिसकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जब उसकी कंपटीशन है जिस टाइम को, ठीक है, उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके। और
और उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग के दौरान में जो भी उसकी जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है वो कम हो सके, उसके जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो सके, हम उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है कि एथलीट जो है ना वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सके। शुरू में हम उसको प्रोग्रेसिवली लेके चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइजेस करवाएंगे, देन हम उसको कम्प्लेक्स में ले जाएंगे। जो सिंपल एक्सरसाइजेस में थोड़ी सी रह जाएंगी, यानी कि जो अडाप्टेशन कर लेंगे मसल्स, तो वो थोड़ी अडाप्टेशन करेंगे, देन हम उसको कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, ताकि जब कंपटीशन वाला जो भी उसका टाइम है स्पेसिफिक टाइम के लिए वो प्रिपेयर हो सके और उसके मसल्स वगैरह अडोप्ट कर सके। देन जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि इसमें हमने क्या करना होता है, इस डिटर्मिनेंट में हमने पेशेंट को रिटर्न टू फंक्शन लेके आना है। रिटर्न टू फंक्शन लाने के लिए सबसे पहले जो हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, क्योंकि पेशेंट को मसला ही प्रोलोंग्ड इमोबिलाइजेशन के बाद होता है कि उसके जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं रहती, तो बेसिकली हमने स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करवानी होती है, ताकि सबसे पहले पेशेंट के मसल तो स्टेबलाइज हो सकें, देन हमने मूव करवाना होता है उसको एक्सरसाइजेस की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे उस पेशेंट को रिटर्न टू फंक्शन लाने के लिए, देन हम करवाते हैं टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस। इसमें हम पेशेंट को डिफरेंट टास्क देंगे और वो पेशेंट उसको फुलफिल करेगा, और देन हम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस को। आई होप सो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊँगी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस। अल्लाह हाफिज़।